हरियाणा के भिवानी में पोषण अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभियान के माध्यम से कुपोषित बच्चों की संख्या घट सके के मकसद से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिवानी में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि वह किस तरह का खान पान रखें और क्या करें कि बच्चे कुपोषण का शिकार होने से बच सके। यहां आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 28 गांवों के कुपोषित व कमजोर बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। अभियान के तहत कुपोषण व एनीमिया का शिकार महिलाओं को भी जागरूक किया जा रहा है। आज देश के 38% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं तथा 54% बच्चियां एनीमिया की शिकार होने के चलते स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रही। इसी समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कुपोषित बच्चे एवं महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश के 148 ब्लॉकों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक खंड के 28 गांवों को शामिल किया गया है, जिनमें कुपोषित बच्चों व महिलाओं को पोषण अभियान के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी परिणीता गोस्वामी ने बताया कि कुपोषित बच्चों, किशोरियों व गर्भवती माताओं को ध्यान में रखकर पोषण अभियान चलाया गया है। इस अभियान में दुबले, नाटे व कुपोषित बच्चों के अलावा गर्भवती महिलाओं व अनीमिया से पीड़ित किशोरियों की तरफ विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भिवानी जिला में 48% किशोरियां एनीमिया से ग्रसित हैं, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता में कमी आती है। देश में 38% के लगभग बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत 2022 तक कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 38 से हटाकर 25% लाने का लक्ष्य रखा गया है। ये पोषण अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम हरियाणा ही भिवानी के ही नहीं बल्कि हरियाणा के सभी 23 जिलों में चलाया जा रहा है और 148 ब्लॉक जो हमारे हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के, इनमें सभी 28 गांवों को लिया गया है, जिसमें कि कुपोषित बच्चे और कमज़ोर बच्चे हैं या अपनी आयु से कम उनकी हाइट है, उन बच्चों के गांवों में जो जनसंख्या ज़्यादा है वहां पर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इस नाटक के माध्यम से महिलाओं को हम पोषण के बारे में जानकारी दे रहे हैं, स्वच्छता के बारे में, एनीमिया के बारे में, कुपोषण के बारे में, हाथ किस तरह से सफाई, माँ के दूध के, इनके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम जगह जगह पर ये संदेश दे रहे हैं कि महिलाओं को अपने खाने पीने के, अपने बच्चों के खाने पीने पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुपोषण और जो एनीमिया है वो हमारे महिलाओं में, बच्चों में ही ज़्यादा पाई जा रही है, जिसका कि निवारण इन नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से देने की सरकार एक पहल कर रही है। और इसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है महिलाओं के की एक उनके मनोरंजन और इवन जागरूकता का एक विषय बन गया है। अनु वर्मा, ये आज लोहड़ी के उत्सव पे प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा। नुक्कड़ नाटक की तरफ से हमें बताया गया कि कुपोषण क्या है, पोषण क्या है, गर्भवती महिला को क्यों लेना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, तो उनसे लोगों में अवेयरनेस आएगी। हो सकता है कि कुछ कुपोषण से हमें बचाव में सहायता मिले। और ये आंगनवाड़ी वर्कर की तरफ से और जो यहाँ की मैडमें हैं उनकी तरफ से हम लोगों को बहुत लाभ मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये समय समय पर बहुत सी चीज़ें बताते हैं, अवेयर करते हैं कि क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। और गोलियां, इंजेक्शन सब टाइम टू टाइम गर्भवती महिलाओं को भी, बच्चों को भी टाइम से उपलब्ध कराते हैं सभी चीज़ें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.